हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी हम खड़े हैं, आज आपको हम दर्शन करवाने वाले हैं भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर के, जो जयपुर नाहरगढ़ जूलॉजिकल बायोलॉजिकल पार्क है। तो उससे जो अंदर की तरफ, मतलब कि बायोलॉजिकल पार्क की साइड रहता है और उससे आगे की तरफ रास्ता जाता है, समथिंग 5 किलोमीटर समथिंग पड़ता है। तो हम आपको आज दर्शन करवाने वाले हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर के, और मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जो यहाँ का व्यू है वो दिखाए एक बार चारों ओर का। जो यहाँ का आप व्यू देख पा रहे हो, तो आप बता सकते हो कि मेरे और जो अपने भाई गजेंद्र है उनके अलावा, हमारे अलावा यहाँ पे आपको कोई अनदर पर्सन दिख रहा है? तो अभी चलेंगे जो भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर है वहाँ पे चलेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। देखते हैं वहाँ पे भी कितना क्या, मतलब कि कोई रहता है या फिर इतनी सुनसान जगह है। तो ये जो रास्ता है वो पहाड़ों के बीच में से आता है, और बारिश के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हो तो बारिश के टाइम पे आपको और भी यहाँ पे मतलब कि अच्छा खासा व्यू और बहुत ही प्यारी लोकेशन लगेगी। अभी तो इस टाइम पे इतना मतलब कि हरियाली कम है थोड़ी, तो बारिश के टाइम पे और भी ज़्यादा हरियाली आपको देखने को मिलेगी, और भीड़ भी बारिश के टाइम पे ही मिलेगी आपको। इस टाइम पे आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी महादेव मंदिर में। तो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं वहाँ की जो जगह है वो कैसी क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। एक बात और बता दूँ, अगर यहाँ पर आप आते हो तो अपने ही रिक्स पे, और यहाँ पे जो ये जगह है बहुत ही डरावनी, और क्योंकि जंगलों के बीच में है ये जगह, यहाँ पे आसपास में आपको गांव वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और आप आते हो तो मतलब कि वो ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, वो भी बहुत कम संख्या में आते हैं यहाँ पर। बारिश के टाइम पर तो आप आते हो तो आपको अच्छे खासे मतलब कि पीपल देखने को मिल जाएंगे लोग, लेकिन अभी यहाँ पर आपको थोड़ा असुरक्षित फील हो सकता है क्योंकि ये जंगलों के बीच में से रास्ता है और जंगली जानवरों का भी यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो हम भी आए हैं अभी, तो आपको दर्शन करवाएंगे, और मेरे पीछे भी देख पा रहे हो आप, बिल्कुल एकदम सूना है पूरी जगह। तो चलिए, हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकते। पेड़ पौधों की हालत देखिए आप, कितने सूख चुके हैं बारिश ना होने की वजह से। और वैसे भी अभी मार्च का महीना चल रहा है तो सूख तो रहेंगे ही, बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगी आप यहाँ पे, और बहुत सारे लोग भी बारिश के टाइम पे आते हैं क्योंकि उस टाइम पे व्यू काफ़ी अच्छा होता ना, इस वजह से। अभी तो मार्च का महीना चल रहा है तो इतनी ज़्यादा हरियाली सूखा ही मिलेगा। ये देखिए पेड़ पौधों की जैसे आगे जा रहे हैं वैसे संख्या बढ़ती ही जा रही है, घना जंगल आता जा रहा है। ये दोस्तों कितनी डरावनी और भयंकर जगह है यहाँ पे। अब कौन सी साइड जाएगा, ये चलेगा साइड बताइए। हाँ, यहाँ से भूतेश्वर महादेव मंदिर के लिए ये वाला रास्ता जाता है। चलिए चलते हैं। देखो तो मेरे को तो ऐसी जगह जाने पे बहुत आनंद आता है, आप बताना आपको ये जगह अच्छी लगती है या नहीं लगती, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देना कैसी लगती है आपको ये जगह, ऐसे जंगलों के बीच से रास्ते। ये देखिए ये सड़क, देखिए यहाँ की मक्खन सड़क।
जिस पे बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। एक बात तो है कि जो शिव शंकर का मंदिर मतलब महादेव का मंदिर है वो आपको ज़्यादा पहाड़ों पे और ऐसे जंगलों की ऐसी जगह पे ही मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि जहाँ पे जाना कठिन होता है वहाँ पे होता है अपने महादेव का मंदिर। यहाँ पे है महादेव मंदिर, ये रहा दोस्तों मंदिर। आप देखो यहाँ की जगह पानी का रहता है। और बात कर ले एक मिनट, ये है ऐसी कुछ जगह यहाँ की, तो ये है दोस्तों महादेव भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर। और पन्ने कर दिए अपने गाड़ी पार्क, यहाँ पे बाइक को पार्क कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे ये बैठे हैं निगरानी के लिए, ये ऐसी कुछ जगह है। ये है बड़ पीपल का पेड़, ये गाय भैंसे वगैरह यहाँ पे बैठी है। आप बताइए कितनी सुनसान जगह है यहाँ पे। जय हो शिव शंभू। तो ये है दोस्तों भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर। तो चलिए और चलते हैं अंदर। यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, और ये है यहाँ चारों ओर का व्यू। चलिए अंदर चलते हैं। प्रणाम माता जी, खाना खा रहे हो? जय शिव शंकर। तो ये है दोस्तों शिव शंभू भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर। जी यहाँ पे वीडियो लाउनी है, जो यहाँ पे बैठे हैं माता जी उन्होंने मना किया है हमारी को एक बार। तो यह है मंदिर परिसर, और चलते हैं आपको बाहर का भी थोड़ा व्यू दिखा देते हैं एक बार। तो चलिए चलते हैं अब। और यह ऐसा कुछ मंदिर परिसर है, यह है मंदिर मैन मंदिर, और यहाँ पे जो रहते भी हैं अभी। तो चलिए बाहर चलते हैं और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं एक बार। ये बताइए ये निगरानी के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अभी इस टाइम पे यार इतनी भीड़ नहीं है, मैंने मतलब कि जब आप बारिश के दिनों में आते हो ना यहाँ पे, मतलब कि जब बारिश होती रहती है उस दिनों में यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। अभी तो कुछ नहीं है, ओनली ये क्या हुआ है? वाह यार ये थोड़ी बात होती है यार, मेरे जूतों को गायब कर दिया। एक जूता कहाँ ले गया मेरा? वापस। चलो मिल गया मिल गया। अरे यार अच्छे लगे आपके जूते। ये देखो इसने मेरे जूते को गायब कर दिया, रुक मैं तेरे को अभी ये चल दिया यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो बताइए दोस्तों आपको कैसी लगे जगह? हमारे को तो बहुत प्यारी लगी, मतलब कि अगर बारिश के टाइम पे आप यहाँ पे आते हो तो बारिश के टाइम पे आपको और भी अच्छा व्यू और यहाँ की जो लोकेशन है वो और भी शानदार और अच्छी देखने को मिलेगी यहाँ पे। क्योंकि अभी तो बारिश का टाइम है नहीं, तो मतलब कि जो जंगल वगैरह वो सभी सूख रखे हैं, इतने ज़्यादा हरियाली नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा ऐसे मतलब कि डिफरेंट लग रहा होगा। लेकिन बारिश के टाइम पे जो ये पहाड़ है ना अरावली, तो ये एकदम अच्छे इतने खूबसूरत दिखते हैं। हाँ अगर फिर कभी आना हुआ तो बारिश के टाइम पर भी आपको लेके आएंगे यहाँ पर,
और उस टाइम का व्यू दिखाएंगे और कितनी क्या भीड़ रहती है वो भी देखना बारिश के टाइम पे आप यहाँ पे। अभी तो हमारे को यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ये अपने गजेंद्र भाई बैठे हैं और अंदर एक माता जी बैठी है और कोई भी यहाँ पे हम तीनों के अलावा यहाँ पे या मंदिर परिसर में कोई भी नहीं है। और ये डॉग वगैरह है तो जो ये तो है ही। खैर तो चलिए चलते हैं। और कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर से किसी नई जर्नी के साथ में और नई जगह पे। तो हर हर महादेव।